वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शीतलहर के मद्देनजर की तैयारियों, रैन बसेरों की स्थिति, कंबल वितरण, अलाव की व्यवस्था, वैक्सीनेशन, अस्पतालों में दवाइयों की स्थिति, गौशालों में पशुओं की व्यवस्था, धान खरीद, सार्वजनिक राशन वितरण सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि बढ़ती हुई ठंडक और शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए, इसके लिए प्रशासन उचित कदम उठावे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए तथा जिला अस्पतालों में दवाओं की स्थिति का समय समय पर जांच किया जाए। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा कि धान खरीद की समीक्षा की जाए तथा सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर किए जाने वाले राशन सामग्री तथा शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए दाल, तेल और नमक के वितरण की भी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि गौशालाओं में पशुओं की स्थिति पर भी नजर रखी जाए तथा उन्हें ठंड से बचाया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव आर के तिवारी ने शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उसके सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कोई भी बेसहारा गरीब व्यक्ति ठंड के कारण बीमार ना हो, ना ही व्यक्ति को उसकी हो, ये बहुत आवश्यक है। अलाव चलने के लिए भी हलाज दी जाती है, अलाव भी सार्वजनिक स्थानों में जलाए जाए। इसी के साथ ही साथ जो निराश्रित गोवंश है, एक दो जिलों से अभी उनकी भी मृत्यु के समाचार आए हैं, और आप सभी अवगत हैं कि इस शासन में हाईएस्ट लेवल पे बहुत गंभीरता से देखा जाता है। तो ये सुनिश्चित कर लें कि सभी निराश्रित गोवंश स्थलों में जाड़े से बचाव करने के लिए जो भी शेड बनाने थे या जो भी इंक्लोजर्स बनाने थे वो बन गए हैं। कहीं भी अगर इसमें कोई कमी पाई जाएगी तो बहुत ही गंभीरता से इसमें ढालाई की जाएगी। कुछ जिलों से ये भी शिकायत आ रही है कि खुले गोवंश घूम रहे हैं, वो फसलों को नुकसान कर रहे हैं। ये समस्या बहुत आगे बढ़ेगी जैसे जैसे फसलें बढ़ेंगी। इसमें भी बहुत ध्यान देना होगा कि कहीं खुले में गोवंश फसलों को नुकसान ना करें। जो विषय आज हमारे लगे हुए हैं उसमें हम लोग चलेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को हम लेंगे। जैसे कि आपको जानकारी है, पिछले कुछ दिनों में, पिछले लगभग एक सप्ताह से देखा जा रहा है कि डिस्चार्ज होने वाले केस की तुलना में नए केस ज्यादा आ रहे हैं, और दुनिया के कई देशों में तो बहुत तेजी से ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है और बाकी डेल्टा वेरियंट भी आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल जैसा होता है, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, इन सब जिलों में जहां पे की जो या तो दिल्ली के पास है या जहां पे मुंबई जा रहा है वहां पे ये आ रहे हैं। इसमें ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को लगातार जानकारी दी जाए, लोगों को बताया जाए कि आगे केसेस बढ़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं जो ये संभावना रख कर रहे हैं कि केसेस आगे चल के बढ़ेंगे। हो सकता है कि ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में फिर से एक छोटी पीक आ सकती है। उसके लिए तैयारी पूरी रखें। बच्चों की जो डीकू वार्ड आप बनाए थे उनके देखने सारे इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं है। कई जिलों से ये सूचनाएं मिलती हैं, समाचार पत्रों में भी आ रही हैं कि वेंटिलेटर हैं या ऑक्सीजनेटर हैं लेकिन चालू हालत में नहीं है। ये जरूर
चेक करा लेंगे 100% वेंटिलेटर, कुछ जितने भी बाकी इनके इक्विपमेंट है, गैस की प्लांट, ऑक्सीजन की प्लांट जो है बहुत बड़ी संख्या में 540 प्लांट अब तक बन चुके हैं। लेकिन इन प्लांट्स में ये जरूर चेक करते रहे, अगर कोई प्लांट 2-4 महीने तक बंद रहेगा तो अचानक जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो चालू नहीं हो पाएगा, या तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी या कोई उसका उपकरण खराब हो गया होगा। तो ये हालत ना हो तो एक प्रोटोकॉल बना लें कि कम से कम 15 दिन में एक बार प्लांट सर्वरा जरूर लें, चला के देख लें कि प्लांट शायद भारत में है, भले ही उसकी आवश्यकता ना हो, भले ही नहीं, 15 दिन एक बार चला के कोई ना कोई देख ले, ताकि अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो तुरंत ये आपको इसमें कोई कठिनाई ना हो। मुझे बताया गया है कि अभी भी कई जगह ये स्थितियां हैं कि क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से कोविड के केसेस ना के बराबर बहुत कम हो गए हैं, तो इसमें उपकरणों का रखरखाव या ऑक्सीजन प्लांट का रखरखाव हो सकता है कि कुछ कम हुआ हो, ये चेक जरूर कर लें कि वो सारे चीजें चालू भारत में है। जिलाधिकारी भी देख लें, पीएचसी सीएससी में जाके देख लें, जिला अस्पताल में देख लें, जो भी महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनका स्टॉक पर्याप्त है कि नहीं है, एंटीबायोटिक्स है कि नहीं है, या जो खुराक की दवाएं हैं कि नहीं है, इस तरह की चीजें वहां पर उपलब्ध है, ये एक बार जरूर चेक कर लिया जाए ताकि हमारे कहीं कमी हो। क्योंकि समाचार पत्रों में बात आती रहती है कि दवाओं की कमी की रिपोर्ट आती रहती है, मैंने एक जगह गया था तो वहां भी मुझे बताया गया था कि जगह कमी है, जो भी कमी हो तो हम मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को और स्वास्थ्य विभाग तो चूंकि केस की दर बहुत बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें लोग और आगे आएंगे आपको लगाएंगे। सर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है सर, जो हमारे बाहर से यात्री आ रहे हैं सर, इसका हम शेयर नोटिफिकेशन कर ललितपुर संपर्क, यहाँ सर इसको पुश अप करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत खराब स्थिति चल रही है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कोविड टेस्ट कराना, आरसीपीटी में आरटीपीसीआर कराना ये बहुत आवश्यक है, इसमें काफी बदलाव है, जिनको की पॉजिटिव निकले पाए गए हैं, बाहर से आने वालों में जहाँ केस बढ़ रहे हैं वहां से आने वालों का भी आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी जहाँ केस जा रहे हैं उसको एक्टिवेट कर लें, फिर से वही चीज हो जाए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, फोन से बात करना, और इसको हम जितना जल्दी, अभी नहीं, अभी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना आसान, 5-6 दिनों में ही केसेस हैं, 2-4 केसेस ही हैं, तो आप 100% कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, तो पास पॉसिबिलिटी नहीं होता, संभव नहीं होता है, 100% कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जरूर कर गई हैं। सभी जिलाधिकारी आज यहाँ मौजूद है और धान खरीद का काम अभी चल रहा है, साथ ही विपणन की स्थिति भी आपको सबको पता है कि हमारा चना दाल और नमक ये सारी चीजें हमारे पहुँच गई है, कुछ एक जिलों में दिक्कत है, सोनभद्र हुआ, गोरखपुर हुआ, जहाँ की आज शाम तक सप्लाई है तो पूरी हो जाएगी, कल मॉर्निंग तक पूरी हो जाएगी, तो कई जिलों में अभी खाद्यान्न जो पहुंचा था नहीं पहुंचा है, नहीं सर सब जगह पहुंच गया, मुख्यमंत्री जी ने जिलों में गए थे वहां भी ये सामने आई थी बात, गोरखपुर और सोनभद्र में ज्यादा दिक्कत थी सर, बाकी सब जगह कंप्लीट हो गया है। तो ये दो तीन जिले जो मैं बता रही हूँ उसमें भी पार्शल सामान इतना पहुँच गया, ठीक है कल मॉर्निंग तक सारी सप्लाई कम्प्लीट हो जाएगी और सेकेंड साइकिल की सप्लाई भी आना शुरू हो गई है।